नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जहां एक तरफ राजद ने चुप्पी साध ली है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अन्य घटक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें महागठबंधन के सहयोगी दलों में से एक रालोसपा की तरफ से कहा गया है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को मना लेना चाहिए। जी हां, रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं और आरजेडी में रहते हैं, तो आरजेडी को और साथ ही साथ महागठबंधन को मजबूत करेंगे, इसलिए उनका महागठबंधन में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए आरजेडी को रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाना चाहिए। अभिषेक झा क्या कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। रघुवंश प्रसाद सिंह जी भारत की राजनीति और खासकर बिहार की राजनीति में एक प्रखर समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। अपने जीवन के इतने वर्षों में, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को बहुत मजबूत किया है। काफी सादगी भरा जीवन रहा है उनका, जो आज के नौजवानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उनका आरजेडी से इस तरह से इस्तीफा देना काफी अफसोसजनक है, काफी दुखद है, हम सबको इस बात का बहुत बुरा लगा है। उनके किए हुए कार्यों और उन्होंने जिस तरह से समाजवाद की विचारधारा को मजबूत किया है, पूरा समाज उनके प्रति कृतज्ञ है। हम सब चाहते हैं, खैर आरजेडी का यह आंतरिक मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी हस्तक्षेप करके रघुवंश बाबू को रोक लेना चाहिए। रघुवंश बाबू की जरूरत समाज को है। आपको बता दें कि आज ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स से अपना इस्तीफा लालू प्रसाद यादव को सौंपा। दरअसल उन्होंने एक सादे कागज पर अपने हाथों से ही अपने दर्द को बयां किया और लालू प्रसाद यादव के सामने ये इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, जिसके बाद से राजद कहीं ना कहीं सदमे में है और इसलिए राजद के सभी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के प्रकरण पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि उन सभी लोगों ने चुप्पी साध ली है और अंदर खाने सभी लोग रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने में जुटे हुए भी हैं। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह बीते कई दिनों से नाराज चल रहे हैं, कई सारी ऐसी गतिविधियां बीते कई दिनों में हुई हैं जिससे उनकी नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई। सबसे पहले उन्हें आस थी राजद से कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा के लिए भी उन्हें नहीं उम्मीदवार बनाया गया था राजद की तरफ से। उसके बाद फिर रामा सिंह की एंट्री राजद में होने लगी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था और ये मांग भी की थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह के रहते हुए रामा सिंह आरजेडी में नहीं आ सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी अभी रामा सिंह की एंट्री पर भले ही रोक लगी हुई हो, लेकिन ये साफ हो चुका है कि वो आएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश भी की गई थी, उन्हें हर कुछ तेजस्वी यादव ने समझाया भी था, लेकिन बात जो है दोनों के बीच में नहीं बन सकी है। और इसी बीच अब रघुवंश प्रसाद सिंह पर जदयू की तरफ से भी डोरे डाले जा रहे हैं। जदयू की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को किसी भी तरह जदयू में मिला लिया जाए, ताकि इसका सियासी फायदा इस बार चुनाव में लिया जा सके। तो फिलहाल सियासत के केंद्र में रघुवंश प्रसाद सिंह है, जहां एक तरफ आरजेडी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है तो जदयू उन्हें खुला ऑफर भी दे रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रघुवंश प्रसाद सिंह किधर जाते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।